एडवांस लेवल है, उसमें हम पास लाइफ तो करेंगे ही, हम एक पास लाइफ का रीकैप भी पूरा करेंगे, क्योंकि जो कुछ लोग हमारे इस एडवांस लेवल में नए जुड़ने वाले हैं, जो वीडियोस देखेंगे, उनकी कोई क्वेरीज होंगी, तो डेफिनेटली जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक रीकैप के साथ स्टार्ट करेंगे। पास लाइफ में तो सभी लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज भी, जिसमें हम आपको, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, कि जिसके पास हमको जाना है, अगर हमें एक प्रॉब्लम है तो उस डॉक्टर को पता है कि किस किस गोली को देने से हमारी तकलीफ दूर होने वाली है। सेम चीज हम यहाँ करने वाले हैं। आप यहाँ पे पूरी तरह से पास लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस के डॉक्टर बनने वाले हैं, कि आपके पास अगर कोई भी अपना इश्यू लेकर के आता है तो आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है या सिर्फ पास लाइफ है। नहीं, पास लाइफ के अलावा भी हिप्नोसिस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम सीख सकते हैं। जैसे पेन मैनेजमेंट करना हम सीख सकते हैं। हमारे कितने तरह के पेन होते हैं, हमारी बॉडी में पेन होता है, हमारे हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन्स होते हैं, कुछ इंटेंशनल पेन होते हैं, क्योंकि हम लोगों की सिंपैथी लेने के लिए भी हम अपनी बॉडी में पेन्स रखते हैं, ताकि हम लोगों को बोल सके अरे हमें कितना पेन है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह की चीजें भी हम इस एडवांस लेवल पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हैंडल करेंगे। सो इट इज जस्ट लाइक कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवा देता है, आप उसको टाइमली खाते हैं और आपको पता है कौन सी डोज कब देनी है, कैसे देनी है। तो इस लेवल में, इस एडवांस लेवल में कुछ इतनी अच्छी चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। प्लस जो कुछ आप लोग कर रहे थे, कुछ लोगों ने सामने आके बहुत अच्छे से पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, जो सुभाष राणा जी हैं, राखी जी हैं, इन लोगों ने इतना अच्छे से, सबके सामने पास्ट लाइफ करना एक बड़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली बहुत अच्छे पास्ट लाइफ के रेजोल्यूशंस निकाले। लेकिन उसके आगे क्या, इसके आगे भी बहुत कुछ है। सबसे पहले तो जो है एज रिग्रेशन हम इसमें सीखेंगे, जो टेक्निकली अभी तक हम सिर्फ एज रिग्रेशन कर रहे थे, इनर चाइल्ड कर रहे थे कि भाई ठीक है हमारा इनर चाइल्ड का प्रॉब्लम है तो हम इनर चाइल्ड करेंगे, उसका एक स्क्रिप्ट था। बट अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आप कोई इशू या कोई पैटर्न लेते हैं आपकी लाइफ में, जैसे सपोज आपको हमेशा पैसे का प्रॉब्लम रहा, जब आप पैदा हुए तो आपके पेरेंट्स के पास पैसे का प्रॉब्लम था, फिर आप जब बड़े हुए तो आप खुद इतना नहीं कमा पाए, और जितना आप कमाते थे उसमें भी आप अपना पूरी तरह से खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी मैरिज हो गई तभी भी हमको सेम प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली हमारे किसी एज रिग्रेशन में, जो कि एज रिग्रेशन आपका मदर के वूम में भी हो सकता है जो हमने किया है, बट ये एक अलग ही तरीके का सिस्टमेटिक एज रिग्रेशन होगा, जहां पे उस वो थॉट कि पैसे की कमी होती है, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये थॉट नहीं है कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसे की कमी होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत रियल चीज है इस दुनिया में, या हम कोई काम करके सिर्फ बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, या केवल हम जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, या कोई इनसिक्योरिटी पैसे को लेके आपकी लाइफ में कहाँ से आई, वो हम एज रिग्रेशन में जाके देख सकते हैं कि किस एज पे आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट की और क्यों की। क्योंकि जब तक हम एज रिग्रेशन में जाके उस पूरे पैटर्न को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आपका वो प्रॉब्लम जाएगा ही नहीं। एंड एडवांस लेवल पे एक श्योर शॉट हो जाता है कि ये जो प्रॉब्लम लेके आया है मेरा क्लाइंट, उसका मेरे पास सोल्यूशन है ही है। अब हम पास्ट लाइफ पे डिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ पास्ट लाइफ में जाएगा हमारा क्लाइंट, वो देखेगा तो हम उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देर आर मेनी अदर वेज, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएंगी। सो देर आर मेनी अदर हिप्नोटिक मॉडलिटीज, जहां पे आपको जो एडवांस लेवल का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे उसमें वो की कहाँ है वो आपको पता चलेगा। जैसे एक नई टेक्निक इसमें मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, जिसको बोलते हैं पेरिस विंडो। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई कि मैम किस में मुझे हिप्नोसिस में जाना है, किस में हमें पास्ट लाइफ करना है, या किस केस में हमको कौन सा, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं पर किसको क्या सोल्यूशन देना है। तो एक्चुअली पेरिस विंडो एक ऐसी चीज है जो आपका क्लाइंट खुद आपको बताएगा कि मेरा सोल्यूशन ये है। एक्चुअली साइकोलॉजिकली क्या होता है कि सबको पता होता है कि उनका सोल्यूशन क्या है, लेकिन
हम अपने प्रॉब्लम में इतने ज्यादा जा चुके होते हैं कि हम उस सोल्यूशन को भूल जाते हैं। यहाँ पे थेरेपिस्ट की आपको जरूरत पड़ती है, फिर थेरेपिस्ट आपको टेक्निक के साथ लेके जाता है और आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्लस उसका रूट कॉज प्लस उसके लिए आपको कौन सी चीज अब करनी है, कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है, हिप्नोसिस करना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, एज रिग्रेशन करना है, पेन मैनेजमेंट करना है, या देर आर लॉट मेनी थिंग्स एंडलेस, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होने से आपको ये पता है कि मुझे ये करने से इसको मैं 100% क्योर दे सकती हूँ, तो वो एक आप पूरा सीखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप क्या चीज चूज करते हैं लाइफ में तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज क्या है और वो कहाँ से आया। तो इसमें थेरेपिस्ट का काम इतना आसान हो जाता है कि वो आपका क्लाइंट खुद ही आपको सोल्यूशन दे जाता है। तो ये जो पेरिस विंडो है ये हम टेक्निकली क्लास में सीखेंगे, जिससे आप इतने जिससे होता है ना कि अभी तक तो हमको ये था कि हाँ ठीक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, पास्ट लाइफ से हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, ये हो जाता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें पास्ट लाइफ जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए बहुत सारी और दूसरी टेक्निक्स हैं जो आपको एकदम क्लियर कर देंगे कि नहीं भाई मुझे यही करना है। जैसे मैंने अभी पेन मैनेजमेंट का बात किया, पेन मैनेजमेंट इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक है, किस तरह से माइग्रेन आपको हैंडल करना है, किस तरह से आपको हेडेक हैंडल करना है, या किसी भी बॉडी पार्ट में अगर पेन है तो उसको हमको किस तरह से रिलीज करना है। एंड बिलीव मी, अगर एक बार आप वो प्रोसेस कर देते हैं किसी का तो वो पेन कभी वापस नहीं आता, क्योंकि दो बातें, एक तो पेन आपने किस कारण से बॉडी में रखा है, वो ये पेन आपका है या आपने किसी और का पेन लिया है, या ये पेन आपने किसी वजह से, जिसको इंटेंशनल पेन कहते हैं, तो वो आपने किस वजह से रखा हुआ है अपनी बॉडी में, तो आप उसको उसी तरीके से रिलीज भी कर सकते हैं और ये फॉरएवर रिलीज होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज किया कल फिर से वापस आया आपका क्लाइंट फिर से आपको कंप्लेंट करना, इसकी कोई जगह ही नहीं है इसमें एडवांस लेवल में। इसके अलावा छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं कि आपके अगर कोई बहुत गहरे कोई इमोशंस है, जैसे आपको बहुत ट्रॉमा लगा है, आपको बहुत इमोशनल सैडबैक आया आपकी लाइफ में जिसको लेकर के आप हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों को पता नहीं होता लेकिन हमारे ट्रॉमास हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज क्रिएट करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी ड्रेनेज क्रिएट करते हैं और हमारे हार्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। हम ये जो ट्रॉमास हैं, सबसे पहले ट्रॉमास को रिलीज करेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए। तो इन सबका एक पर्टिकुलर टेक्निक होता है और हर टेक्निक की एक स्क्रिप्ट होती है कि ये स्क्रिप्ट हमको देनी है इस चीज के लिए और ये स्क्रिप्ट देने से हमारी ये प्रॉब्लम चली जाएगी। तो हर चीज के लिए है, इवन एंटिटी इश्यूज, जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे तो बहुत वियर्ड फील होता है, ऐसा लगता है कोई है मेरे आसपास, ये वो, ये सब भी ट्रॉमा के कारण भी होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक और स्क्रिप्ट है जिसको हम ईगो स्टेट बोलते हैं। तो जब आपका ट्रॉमा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप अपनी हेल्प के लिए ये सारी एनर्जीज को बुलाते हैं कि भाई मैं अकेली हूं, मैं परेशान हूं, मेरे मेरे को हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तब ये सारी एनर्जीज आपके पास आने लगती है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? पहला सोल्यूशन ये है कि आप अपना ट्रॉमा रिलीज कीजिए, जिसकी पूरी टेक्निक आपको क्लास में बताई जाएगी, वो आप वहां से रिलीज कीजिए। दूसरी चीज ये है कि आपको ये बताया जाएगा कि ये जो ईगो स्टेट है, ये स्क्रिप्ट जो है, किस किस तरह से आपको ये एंटिटीज रिलीज करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, कई बार ये सब कुछ आपके बुलाने से आ सकते हैं तो आपके भगाने से जा भी सकते हैं, राइट? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये सारी चीजें वो तभी आती हैं जब आप उनको बुलाना चाहते हैं। तो ये तो एक एक अलग ही जो एडवांस लेवल का काम आप करेंगे इसमें। दूसरी बात ये है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाता है जिससे, या बहुत सारे लोग बहुत खाते हैं लेकिन बिल्कुल भी बॉडी को लगता ही नहीं है, या कुछ लोग बहुत कम खाते हैं और उनकी बॉडी में ना तो प्रोटीन्स होते हैं ना वाइटमिन होते हैं, ये सब कुछ आपके इमोशनल स्ट्रेस की वजह से है या इमोशनल ट्रॉमास की वजह से है। तो इवन ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स
में आप किस तरह से अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं, वो सारी टेक्निक आपको आपके इस एडवांस लेवल में आपको मिलेगी। और ये केवल टेक्निक या डिसऑर्डर्स नहीं, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि एक्चुअली हम ये डिसऑर्डर्स अपनी लाइफ में क्यों क्रिएट करते हैं, और ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ये आप क्यों लेते हैं, और ये कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं एक्चुअली, जब तक कि आप अवेयर नहीं है कि ये मेरा डिसऑर्डर है। जब आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये जो मेरा बच्चा है, कई बार हमारे बच्चे बहुत खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो ये हमें पता ही नहीं होता कि ये डिसऑर्डर है, तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि डिसऑर्डर चीज क्या होती है। तो ये सारा आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि कैसे आपको पता चलेगा ये पर्सन को ईटिंग डिसऑर्डर है। सो एडवांस लेवल केवल पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है, ये एक्चुअली पूरी तरह से आपको एक पर्सन का थेरेपिस्ट बनाती है, जहां पे आप हर चीज अपनी काउंसलिंग से शुरू करेंगे।